गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट फोर तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा पिछले एपिसोड में हमने देखा था की चाखिरकार नाइन उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है आखिरकार उन दोनों का क्या रिश्ता है और बेली इसी बात की सच्चाई जानने के लिए चुपचाप होटल की ओपनिंग में चली जाती है बिना किसी को बताए दूसरी तो तरफ मई भी अपने पापा के साथ पार्टी में आती है तो मार्क मई को धमकी देता है की अगर उसने उसके साथ शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो उसकी वीडियो क्लिप दुनिया में चला देगा तो मई उसकी गिदर भक्की से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है तुम्हें जो करना है कर लो तो मार्क कहता है प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो तो मई कहती है तुम मुझसे इस तरह भीख मांग रहे हो जैसे ये शादी नहीं हुई तो किसी की जान चली जाएगी तो मार्क कहता है तुम ऐसा ही समझ लो अगर ये शादी नहीं हुई तो बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा प्लीज हाँ कर दो तो मई उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी और मई ये कहकर पार्टी छोड़कर चली जाती है तब जैन को जब पता चलता है की उसकी बेटी ने इस शादी के लिए मना कर दिया है तो यांग निक को कहता है मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए इसलिए हमी भरी थी ताकि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे ऐसी शादी कर ले। लेकिन तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को शादी के लिए नहीं मना पाया अगर ये शादी शादी नहीं होगी तो यहाँ पर भी कोई बिजनेस डील नहीं होगी तो निक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा मार्क पर ही निकालता है कि तभी उधर से मई की एंट्री होती है और मई बात को संभाल लेती है और सबको बताती है कि वो और मार्क बहुत जल्द शादी करने वाले हैं तो उसके पापा ये सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं जब मेरी बेटी इस शादी के लिए राजी हो गई है तो फिर मुझे तुम लोगों के साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो हम लोग पार्टी में चलते हैं तो नीक ये सब देखकर खुश हो जाता है और यांग को लेकर वहाँ से चला जाता है आगे मार्क मई को कहता है मुझे पता ही था कि तुम अपनी इज्जत इतनी आसानी से नीलाम तो होने दोगी नहीं फाइनली मेरी धमकी काम तो आई तो मई कहती है ज्यादा मत उरो अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम्हारा कचुमर बन गया होता इसलिए चुपचाप इस नकली शादी पर फोकस करो तो मार्ग कहता है जबकि तुम मान गई हो तो ऐसा पिटेंट करो कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है सभी लोगों को यही लगना चाहिए कि हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं समझी तो मई कहती है ठीक है वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का टसन भी देखने को मिलेगा आगे जब मार्क को बताता है कि चाकिब बेली को इस होटल में लेकर आया है तो मार्ग ये सुनकर पूरी तरह सॉक्ट हो जाता है और हर जगह बेली को ढूंढने लगता है दूसरी तब बेली नाई नो को ढूंढ रही होती है की तभी वो मई से टकरा जाती है तो मई जैसे ही बेली को देखती है तो उसका प्यार उस पर उबड़ने लगता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर बीरू आ जाता है और बेली को उस रूम से लेकर चला जाता है दूसरी तरफ मार्क चकित के पास जाता है और उसे मारता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेली के साथ मिसबिहेव मत करना तो चकित कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारी सच्चाई बेली के सामने आ गई तो बेली तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी और तुम दोनों की बॉन्डिंग यही पर खत्म हो जाएगी यही तो मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें तरफता देखना चाहता हूँ जिस तरह मैं तरपता हूँ उसी तरह मैं तुम्हें तरफता देखना चाहता हूँ दूसरी तब बेली होटल में एक बंदे को देख लेती है जिसके हाथ में गन होता है और वो किसी को मारने के लिए आया हुआ होता है तो बेली ये सब देख पूरी तरह डर जाती है और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है की तभी वो मार्क से टकरा जाती है तो बेली मार्क को बताती है की इस होटल में कोई बंदा है जो बंदूक लेकर आया है तो मार्क इस बारे में जांच पड़ताल करने लगता है और बेली को जाने को कहता है पर बेली होटल से नहीं जाती और वो पार्टी में घुस जाती है उस बंदे को पकड़वाने के लिए कि तभी उधर से निक की एंट्री होती है जो अपने होटल का अनाउंसमेंट करने के लिए आया हुआ होता है तो बेली जैसे ही निक को देखती है तो उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और मार्ग ये सब देख रहा होता है तो वो बेली के पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है तो बेली कहती है यहाँ पर एक बंदे के पास बंदूक है तो मार्क कहता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा है तो बेली मार्क को उस बंदे के बारे में बताती है तो मार्क जैसे ही उस बंदे को देखता है तो वो देखता है की वो बंदा निक को मारने के लिए आया है तो मार्क जल्दी से स्टेज पर जाता है और निक की जान बचा लेता है आगे गोली की आवाज से वहाँ पर अफरा मच जाती है सब लोग इधर से उधर भागने लगते हैं पर बेली वहाँ से नहीं जाती क्योंकि वो बंदूक की आवाज़ सुनकर पूरी तरह सदमे में चली गई होती है तो मार्क उसके पास जाता है और उसे शांत करता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है आगे निक जाकिद को खूब मारता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल क्यूँकी इस कारनामे की वजह ऐसी निक के पूरे प्लान आरोप पानी फिर गया होता है और यांग ने भी उन लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए मना कर दिया होता है तो चारिन कहती है तुम मेरे बेटे को क्यूँ मार रहे हो इसमें सारी गलती मेरे बेटे की नहीं है हाँ मुझे पता कि होटल की सारी जिम्मेदारी चाकित पर है लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे बंदे टोंग पर है ना तो तुम उसे क्यों नहीं मारते तो टोंग भी निक से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर मुझे पूरी सिक्योरिटी देखनी चाहिए थी ये सब मेरी वजह ऐसी हुआ है तो निक कहता है जल्दी ऐसी इस मामले का पता करो की आखिरकार इन सब के पीछे कौन है उसी तब मार्क यांग के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है की वो उसके साथ बिजनेस करे पर यांग और मई उसके साथ बिजनेस करने के लिए मना कर देते हैं और यांग ये भी कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है और तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ बिजनेस करूं ऐसा नहीं होगा तो मार्क यांग से विनती करने लगता है और कहता है मैं आपके साथ बिजनेस इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप कोई भी काम इीगल तरीके से नहीं करते आप अपने सारे वर्कर को एक समान मानते हैं और मैं आपके इसी बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं चाहता हूँ की मेरी, मेरी कल कंपनी भी सेम आप ही की तरह बने और आपके लीडरशिप में वो भी एक साफ सुथरी कंपनी बन जाए आपको भी पता है निक अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कितने इलीगल काम करता है इसलिए मैं आपका साथ चाहता हूँ कि मैं अपने मेडिकल कंपनी को एक साफ सुथरी कंपनी बनाऊ जहाँ पर सबको एक समान हक दिया जाए और किसी के साथ कोई अन्याय न हो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए तो यांग जैसे ही मार्क की ऐसी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह मार्क से इम्प्रेसिव हो जाता है और कहता है मैंने अपनी बेटी के लिए कोई भी गलत लड़का नहीं चुना तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ वैसे भी बेटी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो ही चुकी है तो मुझे तुम्हारे साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेचारी मई ये सुनकर तो पूरी तरह बुखला जाती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने अपना पीछा मार्ग से छुड़ाया होता है पर उसके पापा फिर से उसे मार्ग के पास ही भेज रहे होते हैं तो मई इस शादी से इनकार कर देती है और कहती है मैं ये शादी नहीं करना चाहती आपको ऐसा क्यों लगता है लग कि सिर्फ घर संभालने के लिए ही बनी है मैं शादी नहीं करना चाहती मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ तो उसके पापा इस बात पर उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे खींच कर एक थप्पड़ भी लगाते हैं तो मई को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा से लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है तो निक मई के पास जाता है तो मई कहती है क्या हुआ मेरा तमाशा देख तो तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने ही आये हो ना तो निक कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ मैं भी तुम्हारी ही तरह दूसरों का ऑर्डर मानता हूँ मुझे वो काम करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता मुझे मेरे अपनों को बचाने के लिए वो काम करना पड़ता है जो काम मैं नहीं करना चाहता तो मई कहती जितना मैं तुम्हें जानती हूं तुम भी प्रेशर में हो और मुझे पता है तुम ये शादी किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हो मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ तो मार्क कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आगे उन लोगो को उस बंदे का पता चल जाता है तो वो लोग उस बंदे को पकड़ने के लिए जाते हैं पर वो बंदा खुद खुशी कर लेता है जिस वजह ऐसी उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता पर उन लोगों को पता चल जाता है की वो बंदा थाना का था जब निको इस बारे में पता चलता है तो चारिंग ये सारा इल्जाम मार्ग पर ही लगा देती है और कहती है वो थाना इस मार्ग का दुश्मन था इसने ही थाना से वादा किया था कि वो उसके साथ बिजनेस करेगा पर इसने अपना वादा नहीं निभाया इसलिए उसने ये सब किया तो बेचारे मार्क के पास कोई जवाब नहीं होता तो चारिन कहती है अगर इन सब के पीछे थाना का हाथ हुआ तो तुम्हें अपने हाथों से थाना को मारना होगा तो मार्क ये बात सुनकर तो और सदमे में ही चला जाता है क्योंकि वो किसी भी बंदे को मारने के हक में बिल्कुल भी नहीं होता और ये काम उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया होता है तो मार्क कहता है मैं ये काम नहीं करूंगा तो निक कहता है अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है तो तुम ही इसे डर ऐसी उखाड़ोगे तुम्हें ही उस बंदे को ठिकाने लगाना होगा और इन सबको ठीक करना होगा समझे दूसरी तब बेली अपने दोस्तों को बताती है कि जब उसने निक का चेहरा देखा था तो उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगी थी और मुझे लगता है कि मेरे पास्ट से निक और मेडिकल कंपनी का कोई ना कोई नाता जरूर है तो उसके दोस्त कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम इस बारे में पता लगाएंगे आगे वो लोग मेडिकल कंपनी और बेली के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने लगते है की आखिरकार उन दोनों में क्या कनेक्शन है तो उन लोगों को कुछ क्लू मिलता है और कुछ नहीं भी मिलता है और वो लोग कसम में ही रहते हैं आगे मार्ग थाना के पास जाता है और उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो थाना कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने उस बंदे को नहीं भेजा और ना ही मैंने कोई भी गोलीबारी करवाई है तो मार्क को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि तभी वहाँ पर चाकी आ जाता है और मार्क को कहता है इसी बंदे ने सारा कारनामा किया है और तुमने पापा से प्रॉमिस भी किया है कि तुम इस बंदे को जड़ से उखाड़ फेंकोगे तो ये लो बंदूक और गोली चलाओ पर मार्क गोली नहीं चलाता तो चकित उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगता है और उसके बंदों को मारने लगता है और कहता है अगर तुमने इस बंदे को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे सारे बंदों को मार दूंगा तो बेचारा मार्क ये सब देखकर पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वो अपनों को नहीं खो होना चाहता तो मार्क थाना को मार ही रहा होता है कि तभी उधर से आयली की एंट्री होती है जो थाना की बेटी होती है तो मार्क जैसे ही आयली को देखता है तो वो उसे देखकर पूरी तरह सॉक्ट हो जाता है और वो थाना को नहीं मार पाता क्योंकि आयली बेली के मरे हुए भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उन दोनों ने बचपन में बहुत कुछ एक साथ शेयर किया था तो चाकित मार्क को डर देता है की वो उस बंदे को मारे पर मार्ग उस बंदे को नहीं मारता और चाकित के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अगर किसी ने भी थाना को छूने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा तो चाकित ये बात सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है ये बात निक के पास जाती है तो निक ये बात सुनकर तो पूरी तरह आग बबूला हो जाता है तो मार्क कहता है मुझे नहीं लगता कि इन सबके पीछे थाना का हाथ है मैं इस मामले की जब तक जांच नहीं कर लेता मैं तब तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो चारिन इस बात पर हंसने लगती है और कहती है ऐसा तो नहीं है की कि तुमने किसी को मारा नहीं है तुम्हारी माँ की मौत भी तो तुम्हारी वजह से हुई थी ना क्या तुम भूल गए तो मार्क जैसे ये सुन तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है तो निक को चारिन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे डराने लगता है तो चारिन भी चुप नहीं रहती और कहती है ये, वो तुम्हारी चाहती प्रेमिका का बेटा है इसलिए तुम उसे कुछ भी नहीं कहते ना उसकी सारी बातें तुम चुपचाप सुन लेते वो तो तुम्हारी विरासत का भी हकदार नहीं है लेकिन फिर भी तुम उसे अपना वारिस बनाना चाहते हो आखिरकार मेरे बेटे में क्या कमी है वो तुम्हारे सारे ऑर्डर मानता है और वो तुम्हारे हर काम में खड़ा उतरता है लेकिन तुम कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से तुम मार्क को देखते हो और इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है तो निक भी को कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने कभी भी अपने दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं किया मैंने उनके काबिलियत के हिसाब से ही उन्हें काम सौंपा है और रही मार्क की मॉम की बात तो मैंने तुम्हें की मार्क की मॉम के बारे में कुछ भी गलत मत कहा करो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और रही मार्क की बात तो उसमें वो सारी काबिलियत है जो इस कंपनी के लीडर में होनी चाहिए और ये बात अपने भेजे में डाल लो और निक ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो चारिन को बहुत ही गुस्सा आता है और बेचारी खूब ड्रिंक करती है और वो नशे की हालत में मार्क के माँ की कब्र के पास जाती है और उसके कब्र पर खूब तोड़फोड़ करने लगती है और मार्क की माँ को खूब बुरा भला भी कहने लगती है की तभी वहाँ पर निक आ जाता है और चारिन को ये सब करने से रोक देता है और उसे खूब डांटता भी है तो चारिन को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम मेरे बेटे को इसलिए अपना बेटा नहीं समझते ना क्यूँकी ये तुम्हारा बेटा नहीं है अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो तो आज तुम उसे उस गद्दी पर बैठाते जहाँ पर तुम मार्क को बैठाना चाहते हो मार्क तुम्हारा अपना बेटा है इसलिए तुम उसे इतना प्यार करते हो और मेरे बेटे को इग्नोर करते हो क्या मैं ये सब नहीं समझती और चारिन नशे की हालत में चाकित के सामने अपना मुँह खोल देती है तो चाकित जैसे ये सुनता है की निक उसका पापा नहीं है उसके पैर तले तो जमीन ही खिसक जाती है तो चाकित अपने पापा ऐसी पूछ का मोम क्या कह रही है क्या आप मेरे पापा नहीं है अगर आप मेरे पापा नहीं है तो कौन है मेरे पापा तो निक उसे कुछ भी नहीं बताता और इतना बड़ा सच जानकर तो पूरी तरह टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है दूसरी तरफ मार्क अपनी मॉम की मौत को याद करता है एक्चुअली मार्क की मॉम मार्क के साथ ही रहा करती थी और दोनों साथ में बहुत खुश रहा करते थे एक दिन मार्क का खिलौना बीच रोड पर गिर गया था तो मार्क की मॉम उसे उठाने के लिए बीच रोड पर जैसे गई कि तभी उधर से एक गाड़ी आकर उन्हें ठोकर चली गई जिस चक्कर में मार्क की मॉम की मौत हो गई तो मार्क को लगता है कि उसकी मॉम की मौत उसी की वजह से हुई है अगर उस, अगर उसने उस दिन खेलने की जिद ना की होती तो आज उसकी मॉम जिंदा होती और उसके पास होती तो मार्क अपने भयानक पास्ट को याद करके बहुत ही पैनिक हो जाता है और बेचारा बहुत ही डरा हुआ रहता है की तभी उधर से बेली आती है मार्क से मिलने के लिए और मार्क की ऐसी हालत देख बेली भी परेशान हो जाती है पर वो उसका साथ नहीं छोड़ती और मार्क को कंपनी देती है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है तो मार्क को भी अच्छा लगता है बेली का साथ पाकर और दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं इधर चकित भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो बेचारा का खून तो पूरी तरह खोल जाता है क्योंकि चकित को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि निक मार्क का बेटा है और वो निक का कोई भी नहीं लगता तो चकित ठान लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो मार्क की लाइफ को हेल बना कर रहेगा अगली सुबह जब चार का नशा उतरता है और उसे रात के बारे में पता चलता है की उसने नशे की हालत में क्या क्या करना किए हैं तो बेचारी ये सब सोचकर तो पूरी तरह सॉक्ट हो जाती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है तो उसे अपना बेटा बहुत ही हालत में मिलता है तो चारिन उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका ख्याल रखती है आगे जब चकित को होश आता है तो वो अपनी मोम से पूछता है की आखिरकार उसका बाप कौन है पर उसकी मोम उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता की तुम्हारा बाप कौन था अभी सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम निक के बेटे हो और तुम्हारे ऊपर निक का हाथ है इसलिए इन सब में अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो कि तुम्हारा बाप कौन था बस तुम इस पर फोकस करो कि तुम्हें ये कंपनी कैसे हासिल करनी है और चारिण अपने बेटे को कंपनी हासिल करने का ऑर्डर देती है ताकि वो सबको नीचा दिखा सके और सबसे आगे बढ़ सके अगले की बेली को एक कैफे में नौकरी मिल जाती है वो भी मार की वजह से और बेली को ये बात पता होती है कि ये नौकरी उसे नाई नोए की वजह से मिली है पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताती और उस कैफे में मन लगाकर काम करती है इधर यांग भी मार्ग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो मई कहती है अगर मैं इस प्रोजेक्ट में सफल हुई तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे और मैं जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ मैं वैसी लाइफ जी सकूँ तो यांग कहते हैं ठीक है लेकिन अगर तुम इस प्रोजेक्ट में असफल रही तो तुम्हें मार्क ऐसी शादी करनी होगी तो मई अपने पापा की शर्त को मान लेती है तो मई भी उस कैफे में आती है बेली को पटाने के लिए और मार्क के सामने जान जान कर बेली के करीब जाने की कोशिश करती है तो मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी वहाँ पर पोंग भी आ जाता है और मई को यह सारी हरकत करते हुए देख लेता है तो पोंग को मई पर डाउट होने लगता है पर मई उसके डाउट का कचुम्बर बनाकर बेली के करीब रहती है और बेली भी मई को सपोर्ट करती है और वो पोंग का साथ नहीं देती आगे चकित बेली को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता तो बेली भी उसका डटकर सामना करती है और कहती चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं नाई नोई के खिलाफ नहीं जाऊंगी नाई नोई मेरा मसीहा है उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अगर वो मेरे सामने नहीं आना चाहता तो शायद उसका कोई रीजन होगा इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी समझे तो चकित को ये सब सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है आगे पोंग भी मई को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटता और वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है और मई ऐसी उस ब्रासलेट को लेने की कोशिश करता है पर मई वो उसे ब्रासलेट देते ही नहीं तो पोंग उसकी गाड़ी को अपने पास रख लेता है और मई को धमकी देता है कि जब तक वो उसे उसका ब्रासलेट नहीं लौटाएगी तब तक वो उसे उसकी गाड़ी रिटर्न नहीं करेगा तो बेचारी मई ये सब देख तो पूरी तरह सॉक्ट हो जाती है पर वो हार नहीं मानती अगले दिन मई पुलिस लेकर पोंग के गैरेज पर जाती है और पुलिस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है तो बेचारा पोंग ये सब देख तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है तो मई कहती है मैं तुम्हें एक साथ पर ही छुड़वा सकती हूँ अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो बेचारे पोंग को मई के साथ झुकना ही पड़ता है और वो उससे माफी मांगता है तो मैं ये सब देखकर खुश हो जाती है और वो पोंग को छोड़ देती है वह तो बहुत ही खुश होता है कि यंग फाइनली इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गया तो निक मार्क को बुलाता है और कहता है तुम्हें पुकेत जाकर उन सारे इन्वेस्टर से बात करनी होगी और इस होटल के मामले को खुद ही संभालना होगा तो मार्क कहता है लेकिन ये काम मैं क्यों करूं? ये काम तो चाकित का है ना तो आप जाकर उसे कहिए तो निक कहता है चाकित अभी बहुत बिजी है इसलिए ये काम तुम्हे ही करना होगा तो मार्क मना करने की कोशिश करता है पर निक उसकी एक भी चलने नहीं देता तो बेचारे मार्क को मजबूरन निक की बात माननी पड़ती है तब आईली के पापा भी उस मीटिंग में जा रहे होते हैं तो आयली कहती है पापा क्या आपका जाना वहाँ पर जरूरी है आपको पता है ना माइकल कंपनी वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं तो थाना कहता है बेटी तुम मेरी टेंशन मत लो मैं वहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ जा रहा हूँ इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है आगे आयली अपने बॉयफ्रेंड के मौत का बदला लेने के लिए वो निक को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर चारी न जाती है और उसके प्लान पर पानी फिर जाता है